हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत स्पेशल टॉपिक कवर करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी फॉर मशीन लर्निंग, या फिर क्रैश कोर्स ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर मशीन लर्निंग। सो द आइडिया इज़ वेरी सिंपल। आप सभी को पता है कि मशीन लर्निंग के लिए मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं स्टेटिस्टिक्स के ऊपर और हम लोग काफ़ी फोकस करते हैं लीनियर एल्जेब्रा के ऊपर। एक टॉपिक जो थोड़ा रह जाता है, एटलीस्ट बहुत स्क्रैच से हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वो है प्रोबेबिलिटी। सो मैंने सोचा कि लेट्स क्रिएट अ वीडियो जहाँ पर हम 4 घंटे में प्रोबेबिलिटी के जो भी बेसिक्स हैं वो सब कुछ कवर करें, सो दैट आपका प्रोबेबिलिटी में एक ऐसा फाउंडेशन बन जाए कि आप फ्यूचर में जहाँ भी कहीं मशीन लर्निंग में प्रोबेबिलिटी यूज़ हो आप अच्छे से समझ पाओ। सो दैट इज़ द गोल ऑफ दिस वीडियो। इनफैक्ट ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। दिस इज़ क्रैश कोर्स पार्ट 1 ऑन प्रोबेबिलिटी, एंड इसके बाद एक और वीडियो आएगा क्रैश कोर्स पार्ट 2 ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या क्या कवर करेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी के सारे बेसिक टर्म्स कवर करेंगे हम लोग, रैंडम वेरिएबल्स कवर करेंगे हम लोग, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ कवर करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम हम लोग कवर करेंगे। सो विल ट्राई टू कवर जितना भी होता है प्रोबेबिलिटी में जो मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट द जिस्ट वुड बी कि इन 4 घंटों को जब आप कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपके पास एक बहुत सॉलिड बेस होगा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मशीन लर्निंग के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो इस सेशन का नाम मैंने रखा है क्रैश कोर्स ऑन प्रोबेबिलिटी। क्रैश कोर्स ऑन प्रोबेबिलिटी, थोड़ा और इसको लंबा बना दिया जाए तो आप इसको बोल सकते हो फॉर डेटा साइंस। दिस इज द नेम ऑफ द सेशन। अब इनिशियली मैंने जब प्लान किया था ये सेशन, तो द प्लान वॉज टू कंप्लीट दिस सेशन इन 2 आवर्स। मतलब एक क्लास में मुझे पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी क्रैश कोर्स देना था। बट फिर जब मैंने पूरा का पूरा ये कंटेंट प्रिपेयर किया तो आई रियलाइज कि ये एक क्लास में नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली वी विल हैव 2 सेशंस। सो दिस इज द फर्स्ट सेशन, दिस इज द फर्स्ट सेशन वेयर वी विल कवर सम बेसिक टर्म्स। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का एकदम बेसिक आइडिया हम लोग लेंगे। ठीक है, बट आज का क्लास इज सुपर इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आपने ये क्लास नहीं किया तो अगले क्लास का कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा। ठीक है, एंड देन वी विल हैव अ सेकेंड सेशन वेयर वी विल कवर एडवांस टॉपिक्स लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज, बेस थ्योरम। वी विल ऑल्सो कवर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड विल ऑल्सो कवर सम डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो दिस इज द प्लान। द फर्स्ट क्रैश कोर्स सेशन वुड बी ऑन बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड द सेकेंड वन वुड बी ऑन एडवांस टॉपिक्स। ठीक है, बट माई गोल इज कि अगर आप ये 4 आवर्स का 2 सेशन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोबेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अभी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी? उसका रीजन ये है कि अब हम लोग कुछ ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में मूव करने जा रहे हैं जो बहुत ही प्रोबेबिलिस्टिक नेचर के हैं। मतलब उनमें बहुत प्रोबेबिलिटी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू स्टडी नाइव बेस, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी बहुत देखने को मिलती है। तो दिस इज द राइट टाइम अकॉर्डिंग टू मी कि आपके प्रोबेबिलिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो ब्रशअप हो जाएं, और अगर आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं तो वो आप पढ़ लो। ठीक है, तो दिस इज द प्लान ऑफ अटैक। तो देखो, मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी पढ़ने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि आप सीधे कुछ एडवांस टॉपिक्स में कूद पड़ो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जॉइंट प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। आप डायरेक्टली ये टॉपिक स्टडी कर सकते हो और ऑनेस्टली आपको समझ में भी आ जाएगा ठीक ठाक। बट द सेकेंड अप्रोच इज कि आप ना पहले अपने बेसिक्स बहुत सही से डेवलप कर लो और फिर एडवांस टॉपिक्स में मूव करो।
तो हम सेकंड अप्रोच लेने जा रहे हैं. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टीच यू ऑल द बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो लेफ्ट राइट सेंटर बहुत यूज होता है प्रोबेबिलिटी में. एंड मैंने क्या गलती की थी जब मैं आपकी तरह पढ़ रहा था, मैंने ये बेसिक्स काइंड ऑफ ठीक से नहीं समझा था और मैं आगे के कॉन्सेप्ट्स में बढ़ जाता था और हमेशा मेरे कॉन्सेप्ट्स में कुछ लूप होल रह जाता था. तो ये लूप होल ना रहे इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आज कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फाइव टर्म्स, फाइव सुपर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मुझे लगता है कि पूरी प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज आपको यूज में देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो ये फाइव टर्म्स क्या है? पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट, दूसरा है ट्रायल, तीसरा है आउटकम, चौथा है सैंपल स्पेस और पांचवा है इवेंट. इसके बाद हम लोग एक और सिक्स्थ टर्म भी पढ़ेंगे, बट पहले इन फाइव टर्म्स के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं. ठीक है, द गोल वुड बी टू अंडरस्टैंड दीज फाइव टर्म्स विद एग्जांपल्स सो दैट फ्यूचर में इनको लेकर के कभी कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बार पांचों टर्म्स का एकदम बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लैरिफाई करूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म आता है प्रोबेबिलिटी में और आपको बहुत देखने को मिलेगा वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट सैटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशंस. पहला, उसके एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हो. कभी भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो उसका कुछ आउटकम होता है. ठीक है, तो अगर उसका एक से ज्यादा आउटकम है दैट इज वन इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. एंड द सेकेंड वन इज इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस. आई गेस आपको समझ में आ रहा है, किसी एक्सपेरिमेंट को आप रैंडम एक्सपेरिमेंट तभी कहोगे जब दो चीजें सच हो. पहला, उस एक्सपेरिमेंट के मल्टीपल आउटकम्स हो और दूसरा, उस का आउटकम जो है उसको आप पहले से प्रिडिक्ट ना कर पाओ. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको पूरे टाइम प्रोबेबिलिटी में दिखाई देता है, एंड दैट इज टॉसिंग अ कॉइन. टॉसिंग अ कॉइन, नाउ दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्यों? बिकॉज ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है. पहला, इसका एक से ज्यादा आउटकम है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, राइट? और सेकेंड, हम पहले से नहीं बता सकते, टॉस करने के पहले से नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा. तो इस लॉजिक के हिसाब से यू कैन से दैट टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, और भी एक्सपेरिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे डाई रोल करना, एक पैक ऑफ कार्ड में से कार्ड निकालना और इसके अलावा अभी बहुत सारी चीजें, बट रैंडम एक्सपेरिमेंट का बेसिक डेफिनेशन यही है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अगला है ट्रायल. ट्रायल आई गेस आपको पता ही होगा, ट्रायल रेफर्स टू अ सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ईच ट्रायल प्रोड्यूसेस एन आउटकम. सो गोइंग बाय द प्रीवियस एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक सिक्का है और उस सिक्के को अगर मैं एक बार उछाल रहा हूं तो दैट इज वन ट्रायल. ठीक है, फॉर एवरी ट्रायल यू विल गेट सम आउटपुट, आउटपुट या आउटकम. ठीक है, फिर मैं दूसरी बार उछालूंगा फिर कुछ आउटकम आएगा, मैं तीसरी बार उछालूंगा फिर कुछ आउटकम आएगा. सो बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब आप एक बार परफॉर्म करते हो उसको ट्रायल बुलाया जाता है. सिंपल इनफ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आउटकम क्या होता है? आउटकम रेफर्स टू अ सिंगल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल. जब आप एक ट्रायल परफॉर्म कर रहे हो, विच बेसिकली मीन्स एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो उससे जो रिजल्ट निकलता है उसको हम आउटकम बोलते हैं. सही बात है. सो मान लो मैंने इस सिक्के को उछाला और हेड आया, तो इस हेड को हम आउटकम बुलाएंगे. फिर मैंने सेकेंड ट्रायल में फिर से सिक्के को उछाला, अब टेल आया, तो इस टेल को भी हम आउटकम बुलाएंगे. सिंपल. अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला है सैंपल स्पेस. पढ़ना एक बार इसको. सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन अकर. जनरली वन रैंडम एक्सपेरिमेंट विल हैव वन सेट ऑफ सैंपल स्पेस. सो सिंपल शब्दों में, अगर आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, तो उस एक्सपेरिमेंट से जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको कलेक्टिवली आप सैंपल स्पेस बुलाते हो. जैसे इस कॉइन को टॉस करने पे दो ही आउटकम्स पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो
इसको जब आप कलेक्टिवली लिखोगे इस तरीके से, इस नोटेशन से, तो दिस इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस. सिमिलरली जब आप एक डाई रोल कर रहे हो, तो डाई रोल करने में देर आर सिक्स पॉसिबिलिटीज, सिक्स आउटकम्स आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ रोलिंग अ डाई. ठीक है, तो हमेशा याद रखना आउटकम जो होगा वो एक्चुअली आपके सैंपल स्पेस के अंदर से ही आएगा हमेशा. ठीक है, ओके, लास्ट वन, इवेंट क्या होता है, ये बहुत क्रूशियल है. इवेंट इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ आउटकम्स फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एसेंशियली इट्स अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. एन इवेंट कैन इंक्लूड अ सिंगल आउटकम और इट कैन इंक्लूड मल्टीपल आउटकम्स. वन रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन हैव मल्टीपल इवेंट्स. ठीक है, तो बेसिकली आप प्रोबेबिलिटी के थ्रू जिस चीज को मेजर करना चाहते हो उसको आप इवेंट बुलाते हो. बेसिकली स्पेसिफिक सेट ऑफ आउटकम्स, जैसे कि मान लो आप बोल रहे हो कि आपने एक सिक्का उछाला, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इस केस में इवेंट क्या हुआ, गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ हेड, बेसिकली एच. नाउ दिस एच इज अ सबसेट ऑफ योर सैंपल स्पेस. ठीक है, सिमिलरली एक और इवेंट हो सकता है कि आपने एक डाई रोल किया, आपने एक डाई रोल किया एंड यू वॉन्ट टू मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3. ठीक है, इस केस में इवेंट क्या है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 3. तो आपको भी पता है कि क्या हो गया, 1 और 2. तो इस केस में आपका जो इवेंट है वो है 1 and 2, एंड दिस इज अगेन अ सबसेट ऑफ योर सैंपल स्पेस. ठीक है, तो एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लो. इवेंट इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ आउटकम्स, यहाँ पे प्लूरल में लिखा हुआ है, विच मीन्स कि यू कैन हैव मल्टीपल आउटकम्स. यहाँ पे देखो दो आउटकम्स है, एक वन एक आउटकम है, टू एक आउटकम है. तो कभी कभी आपके इवेंट में यू कैन हैव मल्टीपल आउटकम्स. ठीक है, फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एसेंशियली इट्स अ सबसेट ऑफ द रैंडम स्पेस. 1, 2 इज अ सबसेट ऑफ दिस थिंग. एन इवेंट कैन इंक्लूड अ सिंगल आउटकम, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर एक सिंगल आउटकम था, और इट कैन हैव मल्टीपल आउटकम्स जैसा यहाँ पर है. ठीक है, वन रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन हैव मल्टीपल इवेंट्स, ये भी समझ लो एक बार. सो मान लो आपने एक डाई रोल किया, नाउ यू कैन हैव मल्टीपल इवेंट्स. जैसे एक इवेंट ए क्या हो सकता है, गेटिंग एन ऑड नंबर. तो बेसिकली ये क्या हो गया, 1, 3 and 5. और एक और इवेंट क्या हो सकता है, बी, जिसमें आपका हो सकता है गेटिंग एन इवन नंबर. तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, 2, 4 and 6. सो यू कैन सी हमारे पास सैंपल स्पेस एक ही है, हमारे पास सैंपल स्पेस एक ही है, एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है, बट वी आर हैविंग टू डिफरेंट इवेंट्स. वन इज गेटिंग एन ऑड नंबर और उसका रिप्रेजेंटेशन ये है, दिस इज द सबसेट, और गेटिंग एन इवन नंबर उसका रिप्रेजेंटेशन ये है. ठीक है, तो दीज आर द 5 बेसिक टर्म्स. नाउ द प्रॉब्लम इज कि इवन दो आप ये 5 टर्म्स पढ़ लो एक बार, बट कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह जाता है. इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये 5 टर्म्स किस तरीके से अप्लाई होते हैं. सो मैंने 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं. सो पहला एग्जाम्पल है रोलिंग अ डाई. सो मैं क्या करूंगा, मैं फॉर एवरी एग्जाम्पल आपको 5 चीजें लिख के बताऊंगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, ट्रायल क्या है, आउटकम क्या है, सैंपल स्पेस क्या है और इवेंट क्या है. ये तीनों एग्जाम्पल्स के लिए मैं ये टेबल काइंड ऑफ बनाऊंगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ रोलिंग अ डाई. बेसिकली आपके पास एक डाई है और आप उसको रोल कर रहे हो. ठीक है, तो इस केस में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ रोलिंग अ डाई, सिंपल है ये. ट्रायल क्या हुआ, रोलिंग द डाई वंस, एक बार आपने इसको घुमा के फेंका. आउटकम क्या है, लेट्स से जब आपने इसको घुमा के फेंका तो 3 आया, तो इस केस में आउटकम क्या आ गया, 3. दोबारा कभी घुमाओगे किसी दूसरे ट्रायल में हो सकता है 4 आ जाए,
किसी तीसरे ट्रायल में हो सकता है 5 आ जाए, बट हर ट्रायल में एक ही आउटकम आएगा, सिंगल आउटकम आएगा, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, हमेशा यही 5 यही 6 चीजें तो आएंगी, राइट। तो दिस इज द सैंपल स्पेस। इवेंट क्या हो सकता है? इवेंट कुछ भी हो सकता है। इवेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। इवेंट कुड बी गेटिंग अ 3, दिस कुड बी 1 इवेंट, और इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। इवेंट कुड बी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ये इस इवेंट में मल्टीपल आउटकम्स होंगे, 5 और 6 आएगा। और इट कुड बी गेटिंग अ नंबर दैट इज ऑड, इस केस में 1, 3 और 5 आ जाएगा, इसमें 3 आउटकम्स आएंगे, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। आई नो थोड़ा सा रेपिटेशन है, बट मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ बिकॉज आई नो दिस इज कंफ्यूजिंग। अभी आपको लगेगा कि आपको समझ में आ गया, बट इवेंचुअली यू विल फाइंड कि यार कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास एक सिक्का है, मैं उसको एक बार उछाल रहा हूँ और फिर मैं उसको दोबारा उछाल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है, एक बार नहीं उछाल रहे सिक्के को, दो बार उछाल रहे, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार लेट्स हैव अ डिस्कशन कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग द कॉइन ट्वाइस, दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक बार नहीं, दो बार जब आप कर रहे हो ना तो उसको आप एक्सपेरिमेंट बुला रहे हो, ठीक है। फिर से दो बार करोगे तो वो एक्सपेरिमेंट है। ट्रायल क्या हुआ? ट्रायल हुआ फिर से सेम, टॉसिंग द कॉइन ट्वाइस वंस, मतलब दो को मैं एक मान के चल रहा हूं कि जब मैंने दो बार उछाला तो दैट इज 1 ट्रायल, ठीक है। आउटकम क्या होगा? आउटकम मान लो ऐसा आया कि पहले वाले बार जब मैंने उछाला तो कॉइन में हेड आया और दूसरी बार उछाला तो टेल आया, तो दिस इज अ पॉसिबल आउटकम। कुछ और भी हो सकता है, हो सकता है पहली बार टेल आया होता, दूसरी बार हेड आया होता, राइट। इसमें सैंपल स्पेस क्या हुआ? खुद सोच के देखो क्या पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों बार हेड आ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहली बार हेड आए दूसरी बार टेल आए, फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि टेल आए और हेड आए, और एक और पॉसिबिलिटी है कि टेल और टेल आए। तो दिस इज द सैंपल स्पेस। कितनी बार भी ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे, हमेशा रिजल्ट इन चारों में से ही कोई एक आएगा, ठीक है। नाउ इवेंट की बात कर लेते हैं। अब इवेंट फिर से कुछ भी हो सकता है। इवेंट कुड बी गेटिंग 2 हेड्स, दिस कुड बी 1 इवेंट। तो इस केस में आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? इस केस में आपका आउटपुट हो जाएगा ये सिंगल आउटकम, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। इस केस में आपका आउटपुट हो जाएगा हेड 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 टेल और टेल हेड, 3 आउटकम्स मिल करके ये वाला इवेंट बना। तो अगेन इस तरीके से आपके पास और भी कई तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। चलो एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं, थोड़ा सा मशीन लर्निंग स्पेस में, बिकॉज इवेंचुअली हमें मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। सो आई होप यू रिमेंबर द टाइटैनिक डेटा सेट, आई होप यू रिमेंबर द टाइटैनिक डेटा सेट, वेरी फेमस। सो वहाँ पे हमारे पास 891 पैसेंजर्स थे और बहुत सारे कॉलम्स थे, उनमें से एक कॉलम था पी क्लास, बेसिकली वो कौन से क्लास में पैसेंजर ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम रैंडमली हमारे इस डेटा सेट से एक पैसेंजर को निकाल रहे हैं और पता कर रहे हैं कि उसका पी क्लास क्या है, ठीक है। तो इस केस में आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? इसका रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ रैंडमली ड्रॉइंग आउट अ पैसेंजर, ठीक है। ट्रायल क्या हुआ? रैंडमली ड्रॉइंग आउट अ पैसेंजर एंड फाइंडिंग इट्स पी क्लास,
ठीक है, दिस इज द ट्रायल, व्हाट विल बी द आउटकम. हो सकता है कि ये जो पैसेंजर अभी मैंने निकाला वो पी क्लास वन का था. देर आर थ्री पी क्लासेस, 1, 2 एंड 3. तो मान लो हमने जिसको निकाला वो 1 आया, ठीक है. व्हाट इज द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इज 1, 2 एंड 3. कोई भी पैसेंजर आप निकालो उसका पी क्लास या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, ठीक है. इवेंट क्या हुआ, इवेंट अब फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे भी आप डिफाइन करो. एन इवेंट ए कुड बी दैट द पैसेंजर इज फ्रॉम पी क्लास 2. उस केस में दिस विल बी द आउटपुट, ठीक है. अ सेकेंड इवेंट कुड बी द पैसेंजर इज नॉट फ्रॉम पी क्लास इक्वल्स टू. इस केस में इट वुड बी दिस मल्टीपल आउटकम्स, ठीक है. बट या यू गेट द आइडिया, यू गेट द आइडिया. दिस वॉज द प्लान टू एक्सप्लेन 5 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल टर्म्स टू यू. फर्स्ट वॉज रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेकेंड वॉज ट्रायल, थर्ड वॉज आउटकम, फोर्थ वॉज सैम्पल स्पेस, एंड द फिफ्थ वन वॉज इवेंट, ठीक है. ये पांचों का डिस्टिंक्शन और एक क्लियर आइडिया आपके पास होना चाहिए इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड इन प्रोबेबिलिटी. अगर इनके बारे में क्लियर आइडिया नहीं है, ट्रस्ट मी, हमेशा एक कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है जब आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जाते हो, ठीक है. तो या दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ टूडेज क्लास. अब हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, और वो है टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है. क्योंकि टाइप्स ऑफ इवेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट इवेंट्स खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी आप रियलाइज करोगे कि प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है. तो टाइप्स ऑफ इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो कुछ 5-6 टाइप्स हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, आपको इनको याद रखना है, ठीक है. तो सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला जो टाइप ऑफ इवेंट है वो है सिंपल इवेंट, ठीक है, ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री इवेंट. अ सिंपल इवेंट इज एन इवेंट दैट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 आउटकम. अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, मैंने आपको बताया था कि इवेंट कैन ईदर कंसिस्ट ऑफ 1 सिंगल आउटकम और इट कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल आउटकम्स, राइट. तो अगर सिंगल आउटकम है इवेंट के अंदर, देन इट इज अ सिंपल इवेंट. जैसे कि यहां पर देखो, आपने एक डाई रोल किया और आप 3 पाना चाहते हो, तो गेटिंग अ 3 इज अ सिंपल इवेंट, बट गेटिंग अ ऑड नंबर इज नॉट अ सिंपल इवेंट, बिकॉज ऑड नंबर में 2, 4 और 6 तीनों आउटकम्स आ जा रहे हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा है सिंपल इवेंट. जब भी किसी भी इवेंट में आपको सिर्फ एक आउटकम दिखाई दे, दैट इज अ सिंपल इवेंट, ओके. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन, कंपाउंड इवेंट. अ कंपाउंड इवेंट कंसिस्ट ऑफ 2 or more सिंपल इवेंट्स. जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, रोलिंग एन ऑड नंबर, या फिर ग्रेटर देन 3 और लेस देन 2. लेस देन 2 तो एक्चुअली एक ही हो जाएगा, 1 ही आएगा उसमें, बट ग्रेटर देन 3 में 4, 5 and 6 आ जाएगा. तो दिस इज अ कंपाउंड इवेंट. जब भी किसी इवेंट में एक से ज्यादा आउटकम्स आपको मिलते हैं, दैट इज नोन एज कंपाउंड इवेंट, ठीक है. अगला देखो, ये हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट फिलहाल पढ़ लो. इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं. सो 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ 1 इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट. जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल देखो, इफ यू फ्लिप अ कॉइन एंड रोल अ डाई साथ में, द आउटकम ऑफ कॉइन फ्लिप डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द डाई रोल. सही बात है, 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है, कि आप एक साथ सिक्का भी उछाल रहे हो और आप डाई भी रोल कर रहे हो, तो इसका होने से इसके होने पे कोई असर नहीं पड़ेगा. दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट. आगे हम लोग इसके बारे में काफी पढ़ाई करेंगे जब हम लोग इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, बट फिलहाल आपको बस इतना थियोरेटिकल आइडिया होना काफी है. उसके बाद आता है डिपेंडेंट इवेंट्स. सो इवेंट्स आर डिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ 1 इवेंट, मैंने सेम ही कॉपी कर दिया एक्चुअली, गलत डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे. जब एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट को फर्क पड़ता है तो उसको हम डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लो आपके पास एक
ऑफ कार्ड है, होता है ना पैक ऑफ कार्ड, आप उसमें से क्या कर रहे हो, दो कार्ड्स निकाल रहे हो, दो कार्ड्स निकाल रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार कार्ड निकाल दिया तो वापस नहीं डाल रहे हो. तो द आउटकम ऑफ द फर्स्ट ड्रॉ अफेक्ट द आउटकम ऑफ द सेकेंड ड्रॉ बिकॉज देर आर फ्यूअर कार्ड्स लेफ्ट इन द डेक. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपके पास एक पैक ऑफ कार्ड्स है, पैक ऑफ कार्ड्स है 52 कार्ड्स है, और आप इसमें से एक कार्ड निकाले, एक कार्ड निकाले, तो लेट्स से हमें ये पता करना है कि उसका एस होने का प्रोबेबिलिटी क्या है. तो एस कितना होता है यार, मुझे आई डोंट रिमेम्बर, या लेट्स से स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है ये मुझे पता है 13 होता है आई गेस बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा कार्ड्स नहीं खेले, बट या लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड निकालना है तो दिस वुड बी 13/52. बट अगर मैंने इस कार्ड को वापस अंदर नहीं डाला और फिर एक और कार्ड निकाला और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नाउ इट इज 13/51, ठीक है, बिकॉज आई डोंट हैव वन कार्ड, नाउ आई एम लेफ्ट विथ 51 कार्ड. तो बेसिकली इस इवेंट में क्या हो रहा है कि आपका एक इवेंट के हो जाने की वजह से दूसरे इवेंट में फर्क पड़ रहा है, कंसिडर करना पड़ रहा है आपको, तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया. द फिफ्थ वन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम. सिंपल है, जैसे एक बार आपने डाई रोल किया और आपने बोला कि दो भी आ जाए और चार भी आ जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, या तो दो आएगा या तो चार आएगा. एक और एग्जाम्पल हो गया कि रोलिंग ऑड नंबर एंड रोलिंग इवन नंबर, एक बार जब डाई को रोल करोगे तो इट विल ईदर बी ऑड और इवन, दोनों साथ में नहीं हो सकता, तो दिस इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होगा इन वन ट्रायल, ठीक है. नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स. सो अ सेट ऑफ इवेंट्स इज एग्जॉस्टिव if at least one of the events must occur when the experiment is performed. मतलब अगर आपके पास मल्टीपल इवेंट्स हैं उनको एग्जॉस्टिव तब बोलोगे जब उनमें से कोई एक तो हमेशा अकर करेगा. जैसे कि यही वाला ले लो कि ऑड है या इवन है, अब जब आप डाई रोल करोगे तो इन दोनों में से कोई एक तो पक्का आएगा, या तो वो नंबर ऑड होगा ही या तो वो इवन होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता है कि ना ऑड आया ना इवन आया, राइट. तो इस तरह के इवेंट्स को आप एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हो कि आपका पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाता है, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट. श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट बोलते हैं. इम्पॉसिबल इवेंट कब होता है, जब आपको पहले से पता है कि वो कभी होगा ही नहीं. जैसे कि आप बोल रहे हो कि एक डाई रोल किया, 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दिस इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, कभी नहीं हो सकता, ठीक है. और फिर सर्टेन इवेंट क्या है कि आप बोल रहे हो कि ये होने का प्रोबेबिलिटी, जब आप एक डाई रोल कर रहे हो तो पक्का ही होगा, 1 और 6 के बीच में ही कुछ ना कुछ आएगा, तो दिस इज अ सर्टेन इवेंट, ठीक है. तो ये कुछ 4-5 तरीके के इवेंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं. सिंपल इवेंट जिसमें एक आउटकम होता है, कंपाउंड इवेंट जिसमें दो या दो से ज्यादा आउटकम्स होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंडेंट इवेंट जहां पर एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे फर्क पड़ता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जब आपका दोनों एक साथ एक ट्रायल में नहीं हो सकता, एग्जॉस्टिव इवेंट जब सारे सेट्स में से कोई एक तो पक्का होगा, बिकॉज एग्जॉस्टिव इवेंट्स आपका पूरा का पूरा सैंपल सेट कवर कर लेता है, इम्पॉसिबल इवेंट कभी नहीं होगा, सर्टेन इवेंट पक्का होगा, ठीक है. तो दीज आर द काइंड ऑफ इवेंट्स दो आपको अपने दिमाग में रखने हैं गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज आपको अलग अलग टाइप की प्रोबेबिलिटीज पढ़ने में हो सकता है इन इवेंट्स के बारे में पढ़ना पड़े, ठीक है. तो या वी अगेन डिस्कस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इवेंट्स. ये टाइप्स ऑफ इवेंट्स दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज पढ़ने जाएंगे, इन जगहों पर आपको ये सारे इवेंट्स दोबारा देखने को मिलेंगे एंड वील हैव अ डिस्कशन अराउंड देम. राइट नाउ बस आपको मैंने एक थियोरिटिकल आइडिया दे दिया कि वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स दैट आर प्रेजेंट, ठीक है. अब यहाँ से हम लोग अपना मेन जो क्लास का गोल है वो स्टार्ट करेंगे.
वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन अराउंड प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. ऑल्दो इट इज वेरी बेसिक, वेरी फंडामेंटल, आप सभी ने 9th-10th से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो समझने में शायद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एक बार मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ. सो इन सिंपलेस्ट टर्म्स, प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द लाइकलीहुड दैट अ पर्टिकुलर इवेंट विल अकर. इट्स अ मेजर ऑफ द लाइकलीहुड दैट अ पर्टिकुलर इवेंट विल अकर. ठीक है, इट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन स्टेटिस्टिक्स एंड यूज टू मेक प्रिडिक्शंस एंड इन्फॉर्म डिसीजंस इन अ वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फील्ड है. पिछले 500-600 सालों से लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड ओवर द ईयर्स इसका जो स्टेचर है वो और ग्रो किया है. स्पेशली मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी फील्ड्स में यू यूज प्रोबेबिलिटी क्वाइट अ लॉट. ठीक है, बेसिक फंडा यही है कि आप किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने का लाइकलीहुड मेजर करते हो यूजिंग प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर बिटवीन 0 and 1. सभी को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मींस दैट द इवेंट विल नॉट हैपन. अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मींस दैट द इवेंट विल सर्टेनली हैपन. अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 मींस दैट द इवेंट विल हैपन हाफ द टाइम, और हाफ द टाइम नहीं होगा. ठीक है, सिंपल सी चीज है यार. मतलब टॉस उछाल रहे हो, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? डाई रोल कर रहे हो, 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? दो टॉस, दो कॉइन्स एक साथ उछाल रहे हो, 2 हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? ये सारे जो आपने चीजें पढ़ी हैं, ये सब प्रोबेबिलिटी के अंडर आता है. ठीक है, मैं जो आपको पढ़ाना चाहता हूँ वो थोड़ा और डिटेल में है. सो प्रोबेबिलिटी के 2 टाइप्स होते हैं. ठीक है, वो हम दोनों स्टडी करेंगे. सो पहला होता है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और दूसरा होता है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी. आपको दोनों का आइडिया होना चाहिए. ऑल्दो हम लोग ज्यादा यूज करेंगे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, तो एम्पेरिकल वर्ड मतलब एक्सपेरिमेंटल. एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सो ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी मेजर दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड डेटा रादर देन थ्योरेटिकल अजम्पशंस. इट्स कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर इवेंट अकर्ड टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स. ठीक है, सिंपल सी बात है. आप कोई थ्योरेटिकल अजम्पशन नहीं ले रहे हो, आपके पास जो डेटा है आप उसके बेसिस पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो. ठीक है, अगर नहीं समझ में आया मैं आपको ये 2 छोटे न्यूमेरिकल्स करके बता देता हूँ. बहुत ही सिंपल है. सपोज दैट इन आवर 100 टॉसेस वी गेट 55 टाइम्स हेड एंड 45 टाइम्स टेल. व्हाट इज द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? सो बेस्ड ऑन आवर डेटा हेड कितनी बार आया? 55. और टोटल ट्रायल्स कितने थे? 100. तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या बोलेगी कि हेड आने का एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी इज 55 टाइम्स जो हेड आया डिवाइडेड बाय जो टोटल टाइम्स हमने कॉइन उछाला. दिस इज द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो. लेट्स से दैट यू हैव अ बैग फिल्ड विद 50 मार्बल्स. एक बैग में 50 मार्बल्स है, उनमें से आउट ऑफ दीज 50 मार्बल्स 20 आर रेड, 20 रेड है, 15 ब्लू है, 15 ग्रीन है. यू स्टार्ट टू ड्रॉ 1 मार्बल एट अ टाइम, रिप्लेसिंग द मार्बल बैक इनटू द बैग आफ्टर ईच ड्रॉ. आफ्टर 200 ड्रॉज यू फाइंड दैट यू हैव ड्रॉन अ रेड मार्बल 80 टाइम्स, अ ब्लू मार्बल 70 टाइम्स एंड अ ग्रीन मार्बल 50 टाइम्स. व्हाट इज द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल? सिंपल है, आपने कितनी बार ड्रॉ किया? 80. और टोटल आपने ट्रायल्स कितने मारे? 200. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी. तो कुछ खास नहीं है, बेसिकली फंडा बहुत सिंपल है कि आप क्या कर रहे हो कि आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है, एक डेटा है, उस डेटा के बेसिस पे आप ये सिंपल रेशियो निकाल रहे हो कि जो इवेंट मैं चाहता था वो कितनी बार आया डिवाइडेड बाय मैंने कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. दिस इज वॉट एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी इज. That's it. Simple सी चीज. Now let's discuss what is theoretical probability. ये आप थोड़ा ज्यादा शायद इसको जानते होगे, आपको याद भी होगा. So theoretical और classical probability
is used when each outcome in a sample space is equally likely to occur. मतलब मान लो आपके पास डाई वाला एग्जाम्पल है, ऑब्वियसली इन सभी का आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर है, वन आना इज इक्वली प्रोबेबल टू आने के, थ्री आना टू आना बराबर है, फोर आना थ्री आना बराबर है, एंड सो ऑन, राइट? तो इफ वी डिनोट एन इवेंट ऑफ इंटरेस्ट एज इवेंट ए, वी कैलकुलेट द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एज, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, राइट? याद है? सो कोई अगर आपसे पूछ ले कि आप एक डाई रोल कर रहे हो तो थ्री आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, आपके पास कोई पास्ट डेटा नहीं है, आपने ऊपर वाले की तरह 30 बार डाई रोल नहीं किया है, आपने क्या किया, आप पहली बार डाई रोल करने जा रहे हो और आप पूछ रहे हो कि थ्री आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो खुद सोचो कि इस पूरे के पूरे सैंपल स्पेस में फेवरेबल चीज क्या है, सिर्फ वन, जब ये थ्री आए दिस इज द ओनली केस, और टोटल सैंपल स्पेस में केसेस कितने हैं, 6 केसेस, तो गोइंग बाय दिस लॉजिक द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 इज 1/6. सिमिलरली फॉर अ कॉइन, हेड और टेल, दिस इज द सैंपल स्पेस, कोई पूछ ले कि हेड आने का क्लासिकल या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, आपके पास पास डेटा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि देयर इज वन आउटकम जो फेवरेबल है और टोटल आपके सैंपल स्पेस में 2 आइटम्स है, तो दिस इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है? तो या दैट्स इट, हम लोग ज्यादातर जो फोकस करते हैं वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं हम लोग, बिकॉज वो हमको एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि नेचर में वो इवेंट कैसे अकर करेगा, ठीक है? और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी आप कभी कभी यूज करते हो, जब आप स्टेटिस्टिक्स वगैरह में हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह करते हो, वहां पर यू यूज एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी. एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आपका जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ता जाता है, जब आप नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत बढ़ा देते हो, लेट्स से आपने इनफाइनाइट टाइम्स कॉइन को टॉस किया, तो जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत बढ़ जाता है तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो आपका एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है वो बहुत क्लोज चला जाता है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के. खुद ही सोच के देखो ना, आपने 10 बार कॉइन टॉस किया तो हो सकता है 3 ही बार हेड आया, तो आपका एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या हुआ हेड आने का, 0.3, बट थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.5. अब आप ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देख सकते हो कि जब आप 100 बार उछालोगे तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.3 से 0.5 की तरफ बढ़ने लगेगा, हो सकता है कि आपका 45 टाइम्स हेड आया, तो नाउ दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.45. फिर अगर आप 1000 बार कर रहे हो तो देर इज अ चांस कि 470 बार हेड आया, तो नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स 0.5. तो हमेशा आपको याद रखना है कि एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी विल रीच थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी अगर आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत बढ़ जाएंगे, ये हमेशा होता है, मतलब दिस इज लाइक नेचर हमेशा ये मेक श्योर करेगा कि जब आप खूब सारा ट्रायल्स परफॉर्म करो तो आपका जो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होगा इट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी. ये आप एक पाइथन कोड रन करके भी देख सकते हो, ठीक है? इसमें आपको लाइक अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है, बट अगर आप चाहो एक सिंपल पाइथन कोड चलाओ जहां पर आप एक रैंडम नंबर ले लो 1 से 6 के बीच, पहले 10 बार चला के देखो, फिर 1000 बार चला के देखो, फिर 1 लाख बार चला के देखो, यू वुड फाइंड आउट जब आप 1 लाख बार चलाओगे तो 1/6 आने लग जाएगा किसी भी एक नंबर के आने का प्रोबेबिलिटी. बट या व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल कि एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी विल क्लोज इन टुवर्ड्स थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर वेरी हाई, ठीक है? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था और ये आपको पता होना चाहिए कि एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो किसी सिनेरियो में, क्या आप एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स डिस्कस अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक, एटलीस्ट फॉर मी इट इज कंफ्यूजिंग. ऑल्दो हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं इस कोर्स में, बट उस टाइम मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ा दिया था रैंडम वेरिएबल को स्टेटिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आज हम लोग रैंडम वेरिएबल को थोड़ा प्रोबेबिलिटी के लाइट में पढ़ेंगे,
और अभी तक जो पढ़ा है उससे कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो मैं पहले से बता देता हूँ, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग लगेगा, बट ट्रस्ट मी, एक बार ये टॉपिक अगर आपने समझ लिया सही से तो आगे के लिए आपके पास एक बहुत बढ़िया काइंड ऑफ फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में। सबसे पहले ये जो नाम है ना रैंडम वेरिएबल, दिस इज अ मिसलीडिंग टर्म। दिस इज मिसलीडिंग, मिसलीडिंग मतलब जो लिखा है वो ये है नहीं। ठीक है, मिसलीडिंग है ये। क्यों है मिसलीडिंग? बिकॉज इसके नाम में लगा हुआ है वेरिएबल, बट रैंडम वेरिएबल वेरिएबल नहीं होता है। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है, ये याद रखना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम सेइंग, कि कोई आपसे पूछ ले कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है, तो द आंसर इज दैट इट इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, इट इज अ फंक्शन। अब बहुत बार आपने पढ़ा होगा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज बेसिकली समथिंग जिसको जब आप कुछ इनपुट देते हो तो वो उसको एक आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है बेस्ड ऑन सम लॉजिक। सही बात है, कुछ भी इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट में कन्वर्ट हो जा रहा है बेस्ड ऑन सम लॉजिक। तो व्हेन आई एम सेइंग कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, आई मीन द सेम थिंग, कि जो रैंडम वेरिएबल है वो एक फंक्शन है, इसके अंदर एक लॉजिक है, और जब आप इसको इनपुट देते हो ये उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। नाउ आई नो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इनपुट क्या है, ये आउटपुट क्या है, और ये लॉजिक क्या है। ये तीनों चीजें समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके पहले एक बार ये डेफिनेशन देख लो। सो द डेफिनेशन सेज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट मैप्स द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम प्रोसेस ऑल्सो नोन एज सैम्पल स्पेस टू अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस डेफिनेशन में एक बात तो पता चल गई कि ये इनपुट क्या है और ये आउटपुट क्या है, ये हमें पता चल गया। कैसे पता चल गया मैं बताता हूँ। सो मान लो हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट? सिंपल, टॉसिंग अ कॉइन। अब आपको पता है टॉसिंग अ कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, हेड और टेल। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जो इनपुट होता है वो होता है आपका सैंपल स्पेस। ये जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या करता है कि आपके सैंपल स्पेस के अंदर के हर आउटकम को उठाता है और यहाँ पे इनपुट में दे देता है और उसको एक आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जो आउटपुट होता है वो हमेशा एक रियल नंबर होता है, इट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। जैसे कि इस केस में आप एक रैंडम वेरिएबल बना सकते हो जो क्या करेगा कि इसको इनपुट में जब भी हेड मिलेगा ये उसको 1 बुलाएगा, और जब आप उसको टेल दोगे तो वो उसको 0 बुलाएगा। तो दिस इज अ रैंडम वेरिएबल ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया, इसने आपके पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को लिया। सैंपल स्पेस में दो आउटकम्स थे, एक था हेड एक था टेल। उसने क्या बोला कि मुझे हेड दिखेगा तो मैं उसको 1 बुलाऊंगा और मुझे टेल दिखेगा तो मैं उसको 0 बुलाऊंगा। ठीक है, रैंडम वेरिएबल को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो हमारे केस में लेट से हम इसको एक्स बुला रहे हैं, तो एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट, और इसमें ये दो वैल्यूज हैं 1 और 0। 1 का मतलब क्या हुआ, इंटरनली हेड, और 0 का मतलब हुआ टेल। अब आई नो आपको लग रहा होगा यार कोई लॉजिक नहीं बन रहा इस बात का, मैं पहले इसको हेड बुला रहा था उसको अब 0 1 बुला रहा हूँ, और इसको मैं टेल बुलाता था उसको अब 0 बुला रहा हूँ, फायदा क्या हुआ? थोड़ी देर में आपको समझ में आने लगेगा, डोंट वरी। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको जहां पे रैंडम वेरिएबल काम कर रहा है, जैसे कि टॉसिंग अ
टॉसिंग अ कॉइन तो हो गया, लेट्स से रोलिंग अ डाई, रोलिंग अ डाई, इस केस में क्या होगा कि फिर से आपका एक रैंडम वेरिएबल है लेट्स से वाई, इस बार आपका इनपुट क्या होगा, इनपुट हमेशा आपका सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, दिस इज योर सैंपल स्पेस, एक एक करके आप ये सारे आइटम्स को यहाँ पे इनपुट में भेजोगे और फॉर एवरी आइटम यू विल गेट एन आउटपुट, लेट्स से इस केस में हमारा आउटपुट इज बेसिकली द सेम, आप यहाँ से जब वन भेज रहे हो तो यहाँ पे आपको वन ही मिल रहा है, यहाँ पे टू भेज रहे हो तो टू ही मिल रहा है, थ्री भेज रहे हो तो थ्री मिल रहा है एंड सो ऑन, सो इस केस में जो आपका रैंडम वेरिएबल है इट वुड लुक लाइक दिस, ठीक है। अब अगेन आप बोलोगे सीरियसली कोई समझ में नहीं आ रहा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी एक सैम्पल स्पेस है उससे मैं ये रैंडम वेरिएबल बना रहा हूँ, बट वो रैंडम वेरिएबल सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरी की पूरी चीज रिडंडेंट लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इसका कोई फायदा नहीं है, ऐसा इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिर्फ इनपुट समझाया है और आउटपुट समझाया है, मैंने आपको ये नहीं समझाया कि लॉजिक कैसे डिसाइड होता है कि इस इनपुट का आउटपुट क्या बनेगा, वो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, ठीक है। तो एक बार पहले अभी तक जितना सीखा एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, सो जस्ट लाइक ऑल फंक्शंस इट विल टेक एन इनपुट एंड प्रोवाइड एन आउटपुट, अब हमेशा आपको क्या याद रखना है कि जो आपका इनपुट होगा वो होगा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, बेसिकली एक एक आउटकम निकलेगा आपके सैंपल स्पेस से और वो इनपुट की तरह रैंडम वेरिएबल में चला जाएगा, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल ऑलवेज बी अ रियल नंबर, इट विल ऑलवेज बी अ रियल नंबर, ठीक है, दैट वी असाइन टू ईच पॉसिबल आउटकम, फॉर एवरी आउटकम we will have one real number, for every outcome we will have one real number, tail ke liye one, head ke liye one, yahan pe one ke liye one, two ke liye two, three ke liye three, ye I guess aapko samajh mein aa gaya, now let's discuss ki ye logic kaise decide hota hai ki conversion kaise hoga input to output, ye ek bar discuss karte hain ki what is the logic behind this, so ye thoda sa ho sakta hai tricky ho, ek bar samajhne ki koshish karna, आसान है ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, तो हमने ये तो समझ लिया कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन विच मींस कि बेस्ड ऑन अ लॉजिक इट विल कन्वर्ट सम इनपुट टू सम आउटपुट, और हमें इतना पता चल गया कि इनपुट इज बेसिकली ऑल द आउटकम्स फ्रॉम योर सैंपल स्पेस, ये तो हमें पता चल गया, जितने भी आपके सैंपल स्पेस में आउटकम्स हैं एक एक करके इनपुट में घुसेंगे, and for every outcome you will receive one real number as output, ये भी setup आपको समझ में आ गया, बस ये जो समझ में नहीं आया वो ये है कि ये logic क्या है conversion का, जैसे कि head को मैंने one बुला लिया, ये logic क्या है, तो ये logic समझने के लिए हम लोग एक example लेंगे, हम लोग एक example लेंगे थोड़ा सा ज्यादा complex, अभी तक हम बहुत basic example ले रहे थे, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ऑफ रोलिंग टू डाइस टुगेदर, हमारे पास दो डाइस है, दो है और हम दोनों को एक साथ रोल कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज माय रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं ये लॉजिक कहां से बनता है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, सो ये लॉजिक आता है इवेंट से, डू यू रिमेंबर इवेंट, इवेंट क्या होता है, पढ़ाया था मैंने आपको, इवेंट इज स्पेसिफिक सेट ऑफ आउटकम्स जिसके ऊपर हम प्रोबेबिलिटी बिल्ड करते हैं, तो ये जो लॉजिक है कि इनपुट से आउटपुट कैसे बनेगा वो आता है इवेंट से, जैसा आपका इवेंट होगा उसी हिसाब से आपका लॉजिक बनेगा, ठीक है, इनफ सस्पेंस, अब मैं आपको बताता हूं इस एग्जाम्पल के थ्रू, सो मान लो दिस इज द इवेंट, सॉरी दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट जहां पे हम दो डाइस साथ में रोल कर रहे हैं, एंड लेट्स से वी वांट एन इवेंट और वी वांट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ सेवन, तो यहां पर इवेंट क्या है, दिस इज द इवेंट, दिस इज द इवेंट, गेटिंग अ सम ऑफ सेवन इज द इवेंट, ठीक है, सो मान लो कि आपका पहली बार जो आपने पहला डाई रोल किया उससे थ्री आ गया और दूसरे वाले से
फोर आ गया. नाउ दिस इज अ वैलिड आउटकम जो इस इवेंट के लिए आ सकता है. ठीक है, तो अब देखो, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का इवेंट आया तो आपका लॉजिक भी अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा. तो इस पर्टिकुलर इवेंट को मैप करने के लिए आपका लॉजिक क्या हो जाएगा कि आप बेसिकली क्या करोगे कि आपका सैंपल स्पेस जो है, जो आपका सैंपल स्पेस है, आप उसके हर आइटम या फिर आप उसको आउटकम बुला सकते हो, उसको सम कर दोगे. जैसे कि इस केस में सैंपल स्पेस क्या हुआ, यही तो हुआ. पूरा नहीं लिखूंगा, आप समझ जाओगे. और ऐसा करते करते लास्ट में वी विल हैव 6 6. दिस इज द सैंपल स्पेस, इसमें 36 आइटम्स है. देर आर 36 आइटम्स. अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस इवेंट को केटर करने के लिए हमारा लॉजिक क्या बन जाएगा कि हम हर आउटकम को पकड़ेंगे जो हमारे सैंपल स्पेस में है और उसके दोनों नंबर्स को सम कर देंगे. सो बेसिकली जब यहाँ पे 1 1 घुसेगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, 2. ठीक है, जब 1 2 घुसेगा तो हमारा लॉजिक के हिसाब से आउटपुट क्या हो जाएगा, 3. जब 1 3 घुसेगा तो हमारा आउटपुट होगा 4, एंड सो ऑन. तो बेसिकली नाउ हमारा जो रैंडम वेरिएबल है उसमें क्या क्या होगा, उसमें होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. दिस इज माई रैंडम वेरिएबल, दिस इज माई रैंडम वेरिएबल. ठीक है, अब ये वाला उतना सिंपल नहीं है कि मैंने सीधे हेड को 1 बुला दिया, टेल को 0 बुला दिया. नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस था हमने उसके हर आइटम को निकाला और उसका सम कर दिया, वो बन गया मेरा आउटपुट. सो यू कैन सी इस केस में जो आपका रैंडम वेरिएबल है इट हैज गॉट अ लॉजिक, एंड दैट लॉजिक इज टू ऐड द नंबर्स ऑफ ईच आउटकम. आई होप आपको समझ में आ रहा है. अब इससे क्या फायदा होगा कि जब आप इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे तो आपको ये हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड सम पैटर्न्स. ठीक है, इसी को यूज करके आप आगे चल के, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स बना सकते हो और आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी किस तरीके से टर्न आउट करेगा. सो बेसिकली द आइडिया इज दिस कि रैंडम वेरिएबल इज अ वे टू मैप एन इवेंट बाय कन्वर्टिंग द सैम्पल स्पेस टू सम न्यूमेरिकल आउटपुट. एक और एग्जांपल देता हूँ आपको जिससे आपको थोड़ा सा और परसेप्शन बिल्ड हो. मान लो फिर से हम लोग, जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि अगेन वी आर रोलिंग 2 डाइस, फिर से दोनों को साथ में हम लोग रोल कर रहे हैं. ठीक है, बट इस बार हमारा जो इवेंट है वो है, लेट्स से टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी वेयर द नंबर ऑन डाई 1 इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन डाई 2. जैसे कि मान लो आपने पहले डाई को रोल किया तो 3 आया और दूसरे को रोल किया तो 4 आया, तो ये सही नहीं है, ये फेवरेबल आउटकम नहीं है. फेवरेबल आउटकम क्या होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे आया 5 और यहाँ पे आया 3. नाउ दिस इज अ फेवरेबल आउटकम. ठीक है, तो अब फिर से आपको पता है कि सैम्पल स्पेस तो सेम ही है, सैम्पल स्पेस वही होगा, 36 आइटम्स होंगे आपके. ठीक है, इस केस में आपका लॉजिक क्या हो सकता है टू मैप दिस इवेंट. द लॉजिक कुड बी दिस कि आप ये कर लो कि आप पहले वाले डाइस का जो नंबर है, नंबर ऑन डाई 1, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो नंबर ऑन डाई 2. ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो 1,1 गया तो हमारे लॉजिक के हिसाब से हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1. सो बेसिकली आउटपुट क्या आ जाएगा, 0. फिर क्या आता है, 1,2.
तो जब आपने 1,2 भेजा तो आप क्या कर रहे हो, 1 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। फिर आपने लेट से भेजा 4,5, या लेट से 5,4 भेजा आपने, तो आप 5,4 भेज रहे हो, तो यहाँ पे 5 माइनस 4 हो रहा है, तो यहाँ पे आया 1। अब आप इजीली क्या कर सकते हो कि आप एक लॉजिक लगा सकते हो कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो वो मेरा इवेंट आ गया जो मुझे चाहिए है, अगर 0 है तो दोनों बराबर है, एज इन सेम है, और अगर नंबर नेगेटिव है तो अगेन नॉट फेवरेबल, मुझे नहीं चाहिए। सो बेसिकली जब भी पॉजिटिव होगा मेरा, जब भी मेरा रैंडम वेरिएबल पॉजिटिव होगा तो मेरा ये वाला इवेंट फेवरेबल होगा। ठीक है, तो जस्ट वन एग्जांपल कि आपका लॉजिक कैसे डिसाइड हो रहा है। योर लॉजिक गेट्स डिसाइडेड बाय द इवेंट दैट यू आर वर्किंग विथ। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल इन समरी इज अ फंक्शन जिसका काम होता है आपके पूरे के पूरे सैम्पल स्पेस को उठा करके नंबर्स में कन्वर्ट करना, सो दैट आप उसको आगे चल के अच्छे से स्टडी कर पाओ बाय प्लॉटिंग पीडीएफ्स एंड ऑल। ठीक है, और वो जो कन्वर्जन होता है वो एक लॉजिक के बेसिस पे होता है, और वो लॉजिक आता कहाँ से है, वो आता है कि आप क्या इवेंट स्टडी कर रहे हो उसके बेसिस पे वो लॉजिक बनता है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, गोइंग फॉरवर्ड आपको और एग्जांपल्स मिलेंगे, बट या दैट इज व्हाट रैंडम वेरिएबल इज। ठीक है, ऑल्सो दो तरह का रैंडम वेरिएबल्स होता है, ये भी आपको पता ही होगा, दो तरह के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। जैसे अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दिखाए वहां पे आउटपुट में आपको हमेशा एक इंटीजर मिल रहा था, 1, 2, 0, -1, 1 जो भी था, तो ये सारे एग्जांपल्स थे डिस्क्रीट के। बट कभी कभी ऐसा होगा कि आपको जो आउटपुट में मिलेगा वो हो सकता है 1.5 हो या 1.32 हो, तो उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अभी तक हमने एग्जांपल्स ही ऐसे लिए कि डिस्क्रीट आया, बट आप ऐसे समझो कि आप एक क्लास में घुस करके लेट्स से बच्चों से पूछ रहे हो कि उनका सीजीपीए कितना है, दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट रैंडमली यू आर आस्किंग स्टूडेंट्स कि उनका सीजीपीए कितना है, राइट? तो सीजीपीए कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पर आपका जो सैम्पल स्पेस है दैट इज नॉट अ डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस, इट इज अ रेंज, राइट? तो बेसिकली अब आप क्या कर रहे हो कि आप अपने रैंडम वेरिएबल में एक इंटरवल भेज रहे हो, तो आपको आउटपुट में बेस्ड ऑन योर लॉजिक अगेन यू कैन गेट अ कंटिन्यूअस एज इन बेसिकली डेसिमल वैल्यू यू कैन गेट। मान लो आपका लॉजिक सिंपल था कि अगर 8.35 है सीजीपीए तो आप उसको 8.35 ही लिख रहे हो, मान लो, जैसा यहाँ पर था लॉजिक इस वाले में, रोलिंग अ डाई वाले में क्या था लॉजिक कि 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। तो सिमिलरली मान लो आपका लॉजिक यही था कि जो आपका इनपुट है वही आपका आउटपुट है, तो किसी बच्चे ने बोला 8.35 है, तो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 8.35, तो नाउ दैट इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट भी होता है कंटिन्यूअस भी होता है। ज्यादातर आप जब प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ोगे तो डिस्क्रीट लेके बात की जाती है, और हम लोग भी ज्यादा फोकस डिस्क्रीट पे करेंगे, बट एट द सेम टाइम जब भी मुझे जरूरत लगेगी मैं कंटिन्यूअस के बारे में भी एक डिस्कशन कर दूंगा। बट या दिस इज अ कंफ्यूजिंग टॉपिक, तो प्लीज मेक श्योर आपको समझ में आ गया। लेट मी डिस्कस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है बहुत, सो थोड़ा फोकस करेंगे हम लोग। सो देखो, सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, एंड विल डिस्कस डिस्क्रीट वाला केस बिकॉज समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम वेरिएबल अलॉन्ग विथ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वैल्यूज, दैट्स इट। यही होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से पढ़ देता हूं मैं।
So a probability distribution is a set of all possible outcomes of a random variable along with their corresponding possible probability values. नहीं समझ में आया? तो तीन examples लेंगे हम लोग. पहला example लेंगे toss वाला, दूसरा example लेंगे एक डाई वाला, और तीसरा एग्जांपल लेंगे दो डाइस वाला. ठीक है, और आपको सब समझ में आ जाएगा. सिंपली पुट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल होता है जहां पर पहले रो में आपका रैंडम वेरिएबल की सारी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, और दूसरे रो में हर पॉसिबल वैल्यू से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मेंशनड होता है. ठीक है, समझते हैं इस बात को पहले एग्जांपल से. पहला एग्जांपल क्या है? टॉसिंग अ कॉइन. इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड और टेल. और मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर मैंने रैंडम वेरिएबल लगा दिया, तो मेरा रैंडम वेरिएबल ने क्या किया कि उसने हेड को 1 बना दिया और टेल को 0 बना दिया. सही बात है. तो बेसिकली मेरा जो एक्स है रैंडम वेरिएबल, इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? 1 और 0. तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 1 और 0. और अब बस मुझे क्या करना है, इस 1 के होने का प्रोबेबिलिटी और इस 0 के होने का प्रोबेबिलिटी लिख देना है. सो 1 के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2. और 0 के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2. और ये जो अभी आपके स्क्रीन पर है, इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. दैट्स इट, दिस इज द कॉन्सेप्ट. सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है जहां पर यू आर रोलिंग अ डाई, रोलिंग अ डाई सिंगल. आपका सैंपल स्पेस क्या है? योर सैंपल स्पेस इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6. हमने डिस्कशन किया था, हमने रैंडम वेरिएबल में इन सैंपल स्पेसेस को भेजा, एज इन आउटकम्स को भेजा, और हमारा आउटपुट क्या आया? सेम, बिकॉज हमें नंबर चाहिए था और हमने कुछ खास दिमाग नहीं लगाया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही आया. ठीक है, दिस इज माई एक्स. तो अगेन मैं ऐसे लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. और अब मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. ठीक है, इसको आप एक्चुअली जैसे यहाँ पर हाफ आया था ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू हाफ. इसका क्या मतलब हुआ कि आपका रैंडम वेरिएबल एक्स 1 का वैल्यू ले रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2. ठीक है, तो जब भी मैं यहाँ पे पी एक्स लिख रहा हूँ, इट बेसिकली मीन्स दिस. यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, कि रैंडम वेरिएबल 2 का वैल्यू ले रहा है. ठीक है, तो अब आपको पता है 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. और ये जो आपके स्क्रीन पर है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. ठीक है, इजी एग्जांपल्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज रोलिंग 2 डाइस. 2 एक साथ रोल कर रहे हैं. ठीक है, तो एक बार इसका सैंपल स्पेस सही से लिखते हैं. इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, ऐसे करके 1, 6 तक, फिर 6, 6 तक चला जाएगा. बेसिकली 36 आइटम्स होंगे. ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इसका रैंडम वेरिएबल से जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो आप बेसिकली सम कर देते हो. ठीक है, तो वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ. 1, 2, इनफैक्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, बनाने की ज़रूरत नहीं है. रोलिंग 2 डाइस सैंपल स्पेस, आई जस्ट टेक सम इमेज, क्योंकि ड्रॉ करने में फालतू में दिमाग खराब होगा. um,
दिस इज द सैम्पल स्पेस बट आई वॉन्ट दिस थिंग. वाह बहुत ही अच्छा, एकदम एग्जैक्टली वही है जो हमें चाहिए था. कॉपी इमेज और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. या दिस इज लाइक द परफेक्ट इमेज जो मुझे चाहिए था. यू कैन सी दिस इज माई सैम्पल स्पेस, दिस इज माई सैम्पल स्पेस एंड यू कैन सी फॉर एंड दिस इज माई आउटपुट आफ्टर रैंडम वेरिएबल का प्रोसेसिंग. दिस इज माई इनपुट, यू कैन सी जब 1 1 गया 2 बन गया, 2 1 गया 3 1 गया, 3 1 गया 4 बन गया एंड सो ऑन. तो ये बन गया मेरा आउटपुट. ठीक है, तो अब इसमें यू कैन सी यूनिक नंबर्स क्या क्या है. आप देख सकते हो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं. तो यूनिक नंबर्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. दीज आर द यूनिक नंबर्स, बाकी रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. तो मैं अपनी सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखूंगा. मैं लिखूंगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. और अब मुझे क्या करना है, इन सब का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इस पूरे के पूरे बेसिकली मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स 2 का वैल्यू ले, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा. तो यू कैन सी कि आउट ऑफ 36 केसेस देर इज ओनली वन केस वेयर यू विल हैव 2. तो दिस विल बी 1/36. ठीक है, अगर आप 3 की बात करो तो देर आर 2 केसेस वेयर यू विल हैव 3. 4 3 बार आ रहा है तो 1/12. 5 4 बार आ रहा है तो 1/9. 6 5 बार आ रहा है, 7 6 बार आ रहा है, 8 5 बार आ रहा है, 9 4 बार आ रहा है, 10 3 बार आ रहा है, 11 2 बार आ रहा है और 12 1 बार आ रहा है. और ये जो अभी आपके स्क्रीन पर है, दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल एक्स. ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ रहा है. सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, पता नहीं मेरा टैब सही से काम नहीं कर रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो आपको मैंने पढ़ा रखा है वैसे, बट अभी एक बार इंट्यूशन देना जरूरी है. सो कभी कभी ऐसा होगा ना कि यहाँ पर तो आपका जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो काउंटेबल है. यू कैन सी यहाँ पे एक्स कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हो सकता है. तो ये काउंटेबल है, फाइनाइट है, इजी है. सिमिलरली यहाँ वाले में 6 था पॉसिबल वैल्यूज, यहाँ वाले में 2 था पॉसिबल वैल्यूज. दीज आर लाइक इजी केसेस. मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए, ये परम्यूटेशन, ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकता हूँ. बट वॉट इफ जो पॉसिबल वैल्यूज है एक्स की वो बहुत बढ़ जाए. जैसे कि मान लो मैंने एक साथ 100 डाइस रोल किया, राइट? तो अब 100 से लेके 600 के बीच में कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, राइट? 100 से लेके 600 के बीच में सारे नंबर्स होंगे. तो मुझे अब उन सबका प्रोबेबिलिटी निकालना है टू फाइंड आउट दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. या फिर और खतरनाक केस क्या हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूअस है. तो वहां पे तो 1 के बाद 1.21 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है. तो बेसिकली आई एम सेइंग कि जो मैंने अभी ये काम मैन्युअली करके दिखाया, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इज डिस्क्रीट एंड उसमें भी उसके पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है वो कम है. बट अगर एक्स की नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में होता है, इन दैट केस आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से
मैनुअली निकालना पॉसिबल नहीं होगा. इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस एक्स एंड दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. थोड़ी देर के लिए आप इसको इसको आप वाई बुला सकते हो, इसको आप एफ ऑफ एक्स बुला सकते हो. सो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि यू वॉन्ट टू फाइंड आउट अ मैथमेटिकल फंक्शन जहां पर जैसे ही मैं इस एक्स का वैल्यू दूं, इस एक्स का वैल्यू दूं, मुझे तुरंत वाई पता चल जाए. और वाई क्या होगा? वाई होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्स. ठीक है, तो आपका काम यही होता है टू फाइंड आउट दिस मैथमेटिकल रिलेशनशिप. और वंस यू गेट दिस मैथमेटिकल रिलेशनशिप तो काम बहुत आसान हो गया. मान लो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, एग्जाम्पल ले लिया. तो यहां पर आप एक्स की जैसे ही कोई भी वैल्यू डालोगे, मान लो आपने एक्स की वैल्यू डाली सिक्स, तो आपको वाई में क्या मिल जाएगा? फाइव बाय 36, विच इज द आउटपुट. ठीक है, तो मैं बस वही बोल रहा हूँ कि मैनुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन निकालना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा अगर एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाए. इन दैट केस मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उन्होंने कोशिश की टू फाइंड आउट दिस मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. एक बार जैसे ये रिलेशनशिप मिल गया, नाउ यू कैन पुट एनी एक्स एंड यू कैन गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट एक्स. ठीक है, एंड नॉट ओनली दैट, आपको ये भी फायदा हो सकता है कि आप उसका ग्राफ प्लॉट कर पाओ. ठीक है, और फिर उस ग्राफ को देख करके और इस इक्वेशन की प्रॉपर्टीज को देख करके यू कैन टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दैट एक्स. ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है ना, इसी को बोला जाता है PDF/PMF. PDF बोला जाता है कंटिन्यूअस के केस में और PMF बोला जाता है डिस्क्रीट के केस में. ठीक है, इसी का एग्जांपल हुआ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ना जाने क्या क्या हमने जो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े थे वो इन्हीं मैथमेटिकल इक्वेशंस का एग्जांपल है. ठीक है, और वो कहाँ से आया, आई गेस आपको थोड़ा समझ में आ रहा है. ठीक है, तो वी जस्ट कवर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टेबल को बोलते हैं. दिस टेबल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इस फंक्शन को हम PDF बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. बिकॉज ये टेबल हमें रिलेशनशिप नहीं बता रहा है, बट ये फंक्शन हमें ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताएगा. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग चीज है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अलग चीज है. ठीक है, तो या अब अगर आप वापस जाकर के उन लेक्चर्स को देखो तो आप थोड़ा और अप्रिशिएट कर पाओगे कि PDF क्या होते हैं. ठीक है, तो या लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स अराउंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टू मोर टॉपिक्स. सो वन ऑफ देम इज मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एंड द नेक्स्ट वन वुड बी वेरियंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे. सो लेट्स डिस्कस मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल क्या होता है. ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लो. द मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ऑफन कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार आपको यही बोला जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज एसेंशियली द एवरेज आउटकम ऑफ अ रैंडम प्रोसेस दैट इज रिपीटेड मेनी टाइम्स. मोर टेक्निकली इट्स अ वेटेड एवरेज ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम वेरिएबल वेर ईच आउटकम इज वेटेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस. ठीक है, द गुड पार्ट इज आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं मैं ये कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, बट फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग अ डाई सिंगल. सो इफ यू रिमेम्बर, हमने जब इसको रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट किया था तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसा दिख रहा था. 1 2 3 4 5 6 को हमने 1 2 3 4 5 6 ही बुला लिया और प्रोबेबिलिटीज ऐसी दिख रही थी. ठीक है, अब
यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक्स है इट कैन टेक इधर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एज वैल्यूज, यही पॉसिबल वैल्यूज है एक्स की। पूछा जा रहा है कि एक्स का मीन क्या है, हमें निकालना है मीन ऑफ एक्स, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, बाय द वे मीन निकालोगे कैसे, बहुत सिंपल है, आप मल्टीपल ट्रायल्स परफॉर्म करोगे, मतलब आप बार बार डाई रोल करोगे। अब आपको पता है कि डाई रोल करने पे एक्स का वैल्यू या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एवरेज वैल्यू निकालना है ओवर मल्टीपल ट्रायल्स। मतलब सवाल ऐसा समझ लो आप कि मैंने 1000 बार डाई को रोल किया तो व्हाट वुड बी द एवरेज वैल्यू। जैसे कि मान लो पहली बार जब ट्रायल चला तो 3 आया, दूसरी बार 4 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, इस तरीके से 1000 बार नंबर्स आए। मैं क्या कर रहा हूँ, उन सारे नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ 1000 से और मुझे एक नंबर मिलेगा, दैट नंबर विल बी द मीन ऑफ एक्स। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे मीन ऑफ एक्स निकालना है। व्हाट विल बी द मीन ऑफ माय रैंडम वेरिएबल, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता ही है मीन कैलकुलेट करने का लॉजिक बहुत सिंपल होता है। मान लो आपके पास कुछ नंबर्स हैं 5, 3, 4, 5, 3, 4, यहाँ पे भी 3 ही लिख लेते हैं जस्ट टू क्रिएट सम डिफरेंस। ठीक है, मुझे इन नंबर्स का मीन निकालना है। मीन कैसे निकाला जाता है, आप बोलोगे 5 + 3 + 4 + 5 + 3 + 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स विच इज 6, तो ये हो जाएगा 8, 12, 17, 20, 23 डिवाइडेड बाय 6। डिवाइड करने पे जो भी नंबर आया वो आपका मीन है। बट एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, आप इस प्रोसेस को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो क्या कर सकते हो आप ये कर सकते हो कि आप बोलो 2 × 5 + 1 × 4 + 3 × 3 डिवाइडेड बाय 6, सेम ही बात है। और अब मैं इसको ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख रहा हूँ, 2 × 6 = 5, 1/6 = 4 and 3/6 = 3, यानी कि 1/3 × 5, 1/6 × 4, 1/2 × 3, अभी भी नंबर सेम ही आएगा, आप करके देख लो, यू विल गेट द सेम नंबर। बट मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, बिकॉज ये आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा मीन कैलकुलेट करने में। ये पर्सपेक्टिव क्या है कि अगर आप कभी भी मीन कैलकुलेट करना चाहते हो तो एक तरीका क्या है कि आप अपने सारे यूनिक आइटम्स को पकड़ो और उनको मल्टीप्लाई कर दो उनके होने की प्रोबेबिलिटी से। जैसे कि यहाँ पर देख लो, इस डेटा में 5 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो 5 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 5 है आउट ऑफ 6, 1/3, तो मैंने क्या किया 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से। 4 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, तो मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 से। और फिर 3 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, तो मैंने 1/2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये भी एक तरीका होता है मीन निकालने का। तो आप एग्जैक्टली यही तरीका निकालते हो, यही तरीका यूज करते हो टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल या फिर मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। व्हाट यू डू इज कि आप हर पॉसिबल आउटकम को लेते हो, हर पॉसिबल वैल्यू को लेते हो और उसको उसके होने की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे इस केस में ये जो डेटा है इसका मीन क्या होगा, इसका मीन होगा 1 × 1/6, 2 × 1/6, 3 × 1/6, 4 × 1/6, 5 × 1/6, 6 × 1/6। बेसिकली आप लिख सकते हो 6 और ऊपर आ जाएगा 21, दिस इज 3.5, तो दिस इज द आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस इवेंट को
बहुत बार करोगे तो जो एवरेज वैल्यू होगा या जो मीन होगा आपके इस रैंडम वेरिएबल एक्स का, दैट विल बी 3.5। यही इसका मतलब है, और ये आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो। आई कैन इनफैक्ट शो यू, सो लेट मी शो यू। सो लेट्स से हमने ले लिया इम्पोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट रैंड इंट एक से लेके छ, और आई इन द रेंज ऑफ 1 लाख बार ये एक्सपेरिमेंट मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, और मैं हर बार आउटकम डॉट अपेंड कर रहा हूँ। बेसिकली हर बार आप ऐसे समझो कि 1 से लेके 6 के बीच में एक नंबर सेलेक्ट हो रहा है और उसको मैं आउटकम में डाल रहा हूँ। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी, आई एम कन्वर्टिंग दिस आउटकम लिस्ट टू अ नंपाई एरे, और उसका मैं मीन निकाल रहा हूँ। एंड यू कैन सी, ये देखो 3.5। जैसे जैसे मैं और बढ़ाते जाऊंगा, हम और क्लोज आते जाएंगे 3.5 के। एंड दिस इज नॉट बाय चांस, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी जो हमने भी डिस्कस किया, कि अगर आपको कभी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है एक रैंडम वेरिएबल का, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट टेक ऑल द पॉसिबल वैल्यूज एंड यू मल्टीप्लाई देम विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम अकरिंग एंड देन सम। सो बेसिकली आप ऐसे लिखते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n, जहाँ पे आपके पास n यूनिक वैल्यूज हैं एक्स के लिए। आप क्या कर रहे हो, आप एक्स आई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो या गाइस, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अभी हमने जस्ट मीन पढ़ा, अब हम लोग वेरियंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे। सो सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, रोलिंग अ डाई। आपकी एक्स की वैल्यूज क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अभी हमने जस्ट निकाला कि एवरेज कितना आया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितना आया था, 3.5। अब मान लो हमें निकालना है कि वेरियंस ऑफ एक्स क्या है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने नॉर्मल मीन से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला, सिमिलरली आप नॉर्मल वेरियंस के फॉर्मूले से ये वाला वेरियंस निकाल सकते हो। सो इफ यू रिमेम्बर, नॉर्मल जो वेरियंस का फॉर्मूला था वो क्या था, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n और n-1, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा यूज कर रहे हो, एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, चलो यहाँ पे n-1 ही ले लो, नहीं n n ही ले लो, और n-1 से आप डिवाइड करते हो। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करते हो, अगर आपको पता हो आपके पास कुछ नंबर्स हैं, आपके पास कुछ नंबर्स हैं, आप क्या करना चाह रहे हो, आप इन नंबर्स का वेरिएंस निकालना चाह रहे हो। वेरिएंस मतलब स्प्रेड निकालना चाह रहे हो कि नंबर्स कितने फैले हुए हैं, राइट। आपके पास अलग अलग नंबर्स है, एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है। आप बेसिकली काइंड ऑफ स्प्रेड का आइडिया लेना चाह रहे हो कि नंबर्स कितने फैले हुए हैं, और वही पता करने का तरीका ये होता है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप एक्स आई से मीन को, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी होगा, एक्स आई से एक्स बार एज इन मीन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। बेसिकली मान लो इनका मीन है 6, तो आप हर पॉइंट का मीन से डिस्टेंस निकाल रहे हो, उसको स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, उसको स्क्वायर कर रहे हो सो दैट आप जोड़ पाओ, अदरवाइज डिस्टेंसेस हो सकता है सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो आप उसको स्क्वायर कर रहे हो। और फिर आप उसको जो सारे के सारे स्क्वायर्ड डिस्टेंसेज हैं, आप उनका एवरेज निकाल रहे हो। दिस इज वॉट यू आर डूइंग, राइट, इस फॉर्मूले में दिस इज वॉट यू आर डूइंग। यू आर फर्स्ट फाइंडिंग आउट
the squared distance from the mean, right? Or you are basically sum of squared distance from the mean and you are just finding out the average, right? तो इसी फॉर्मूले में अगर आप फिट करना चाहो तो बेसिकली यू कैन डू दिस. आप क्या करते हो, आप इस वाले क्वांटिटी को उठाते हो और यहाँ पे आप प्लग इन करते हो जहां पे एक्स आई है. एक्स आई कुड बी एनी वैल्यू, तो हमारे केस में इट वुड बी एक्स, क्योंकि एक्स कैन हैव एनी वैल्यू, तो वी कैन राइट इट लाइक कैपिटल एक्स, ठीक है. माइनस, हमने सब्ट्रैक्ट किससे किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया मीन से. तो रैंडम वेरिएबल के केस में मीन क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो हम यहां पे ले आएंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू को और इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये क्वांटिटी सेम हो गई, ठीक है. अब ये जो क्वांटिटी आएगी, ये जो क्वांटिटी आएगी, पहले तो समझो ये क्वांटिटी क्या है. ये क्वांटिटी बहुत सिंपल सी चीज है. आप क्या कर रहे हो, आप एक्स की अलग अलग वैल्यूज ले रहे हो और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ले रहे हो. तो पहली बार क्या होगा, फॉर दिस नंबर यू आर फाइंडिंग आउट 1-3.5 का स्क्वायर. फिर आप सेकंड वाले को ले रहे हो, ये कर रहे हो. फिर आप थर्ड वाले को ले रहे हो, ये कर रहे हो. सो बेसिकली यू आर फाइंडिंग आउट दीज नंबर्स, ठीक है. बट अब आपको क्या करना है, अब आपको मीन निकालना है. बेसिकली ये जो सारे नंबर्स आएंगे, ये सम नहीं कर रहे थे बाय द वे, हम सारे नंबर्स निकाल रहे थे. अब हमें क्या करना है, ये जो सारे नंबर्स आएंगे, इन सारे नंबर्स का मीन निकालना है. और जब भी मैं बोलूं मीन निकालना है रैंडम वेरिएबल के लिए, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है. तो बेसिकली ये जो सारे नंबर्स आए, टोटल 6 नंबर्स आए, हमें इन 6 नंबर्स के लिए इनका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है. तो बेसिकली वी कैन राइट इट लाइक दिस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, एंड दिस इज द वेरियंस ऑफ एक्स. दिस इज द वेरियंस ऑफ एक्स, यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस इज द वेरियंस ऑफ एक्स. कैसे निकला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये अंदर वाली क्वांटिटी. और ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, आप बेसिकली हर नंबर को उठा रहे हो यहां से और उसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो एक्सपेक्टेड वैल्यू से, उसका स्क्वायर कर दे रहे हो. ऐसे आपको 6 नंबर्स मिले, उन 6 नंबर्स का आप एक्सपेक्टेड वैल्यू फिर से निकाल रहे हो. एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन निकाल रहे हो. तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेरियंस ऑफ एनी गिवन रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है. इससे एक और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी एक्सट्रैक्ट होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. सो अगर आप इसको एक्सपैंड करो, अगर आप इसको एक्सपैंड करो तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये अंदर जो है, इसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर मान लो, तो ये अंदर क्या आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, ए प्लस होता है ना यहाँ पे, माइनस 2 टाइम्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है. इसमें ब्रेक डाउन हो गया. अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि अगर आपको कभी भी इस फॉर्म में एक्सपेक्टेड वैल्यू मिले तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो. तो गोइंग बाय दैट लॉजिक मैं इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूं और ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है. अब देखो एक और चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपको ऐसा मिले तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है. गिवन एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे 2x एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आर इंडिपेंडेंट, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इस पूरे रिलेशनशिप को, आप यहाँ पे लिखोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टू जो है वो टू ही होगा। उसका रीजन क्या है कि हम क्या करते थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स क्या था, एक रैंडम वेरिएबल जिसके मल्टीपल वैल्यूज हो सकते थे, वन भी हो सकता था, टू भी हो सकता था, थ्री भी हो सकता था, फोर भी हो सकता था। अब यहाँ पे टू है मतलब इट्स अ कॉन्स्टेंट, तो ये हमेशा टू ही रहेगा। तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालोगे, टू मल्टीप्लाइड बाय टू का टू होने का प्रोबेबिलिटी, टू का टू होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वन, तो टू मल्टीप्लाइड बाय वन क्या होगा, टू ही तो होगा। तो बेसिकली ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है ये टू बन जाएगा, ठीक है। ये एक्स ऐसा ही रहेगा। इसके ऊपर देखो, अब खुद सोचो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो होगा इट विल ऑलवेज बी अ नंबर, नंबर मतलब इट विल बी अ कॉन्स्टेंट, और फिर उस कॉन्स्टेंट का जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे तो इट विल बेसिकली बी द सेम कॉन्स्टेंट विच इज ई ऑफ एक्स। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक ये पूरा इक्वेशन ये बन जाएगा। सब कुछ यहां पे बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, यहां पे आ गया टू, ये ई एक्स वैसे का वैसा ही है, और मैं क्या बोल रहा हूं कि ये ई एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, ये हो जाएगा टू ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर भी देखो, ये ई एक्स एक कांस्टेंट होगा बिकॉज इवेंचुअली इट विल बी अ मीन, उस कांस्टेंट का स्क्वायर करोगे तो फिर एक कांस्टेंट आएगा, और फिर उस कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे तो वही कांस्टेंट आएगा। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक अगेन यू विल हैव दिस माइनस टू टाइम्स ई एक्स का स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड यू कैन राइट इट एज वेयर ऑफ एक्स इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला, ये भी बहुत यूज होता है, ये दोनों आपको कई जगहों पे देखने को मिल जाएंगे। दिस इज वन फॉर्मूला एंड दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला जो हमने एकदम शुरू में लिखा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों वेरिएंस कैलकुलेट करने का ही है और आपको ये दोनों दिखाई देंगे, ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, और ये दोनों के लिए काम आता है, ये कंटिन्यूअस के लिए भी होता है, डिस्क्रीट के लिए भी होता है, ठीक है। So yeah, that is how you calculate the variance of a random variable. तो ये कुछ advanced topics है जो आपको पढ़ा दिए, ये आपको कई जगह देखने को मिलेंगे future में, just I want कि आप ऐसा clueless feel ना करो, ठीक है। तो with that हमने जो भी fundamentals cover करने थे वो हमने कर लिए, अब जो next session होगा वो इसी पे build up होगा पूरा। अब हम types of probabilities पढ़ेंगे, हम लोग joint probability पढ़ेंगे, marginal पढ़ेंगे, conditional पढ़ेंगे, independent पढ़ेंगे, बेस थ्योरम पढ़ेंगे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। सो वी विल डू दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। और उसको करने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो दैट वाज द वीडियो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्रैश कोर्स, और कुछ ही दिनों में आई विल पुट अप द सेकंड पार्ट आल्सो, और वहां पे हम बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो भी कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।